पीडीपी भी बहुत अच्छी आई है और वो और मैथ थोड़ी सी टफ थी लेकिन ठीक थी और ईवीएस भी अच्छी आई थी। और पैसेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, पैसेज करने में कोई दिक्कत नहीं, पैसेज अच्छा आया था, थोड़ी सी टफ थी। हाँ, हिंदी अच्छी थी। पेडागॉजी मैथ? हाँ, पेडागॉजी अच्छी आई है, मैथ की भी ठीक थी और ईवीएस की भी ठीक थी, सीडी की भी ठीक थी। क्वेश्चन कुछ भी? क्वेश्चन जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, यही सब आ रहे थे सीडीपी में भी। ईवीएस में ये पक्षियों के बारे में और वैन हेले और स्टनबर्ग ये सब थे। और कोई भाषा आई थी झारखंड में, मतलब कोई भी भाषा आई? भाषा नहीं आई थी इसे पूछने के लिए, बताना पूछा उसमें ऐसी भाषा। और क्वेश्चन एक आया था ये, अच्छा गुजरात से होने वाले राज्य पूछे गए थे। हाँ, और वो जैसे कुछ हिंदी में आया था, प्रत्यय उत्तर कुछ आया था? हाँ, हिंदी में ग्रामर थे कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, बहुत संस्कृत में थे, उसमें हिंदी में थे लेकिन बहुत एक ही दो क्वेश्चन आए थे। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो हमने दिया वो ठीक था। मॉडरेट पेपर था? हाँ ठीक। थैंक यू। कुछ तो है बस, जिन प्याजे का पैथोलॉजी में थे आए थे और वो कॉलवर्क के मैथ में कोई आयत या परिमाप छेदफल कुछ आया था? हाँ, परिमाप वाला आयत वाला आया था तो, और वो हमने कर नहीं पाया, छूट गया मेरा पेपर काफी, थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया आपके। हाँ, थोड़ा सा वो पैथोलॉजी में वो चार्ट ऑफ डेवलपमेंट करती रही ना, तो उसमें थोड़ा सा हमारा ग्राफ ग्राफ वगैरह करने थोड़ा सा टाइम हो गया, थोड़ा सा पहले से मतलब ये टफ है उस हिसाब से, टफ था पेपर वो, क्या नाम, पैथोलॉजी भी थोड़ी टफ थी, साइंस वो एनवायरमेंट में थोड़ा टफ था। क्वेश्चन विटामिन्स के बारे में आया था, विटामिन्स में कितनी मात्रा पाई जाती है, कौन सी मात्रा? पेपर इजी आया था, जो एसटी प्रॉपर दे रहा है उसके लिए बहुत अच्छा पेपर है। कौन सी एसटी? मतलब टेक्स्ट बुक क्या है, मतलब? हाँ, टेक्स्ट बुक की एसटी बहुत अच्छी, सी टेक की जो दे रहा है कंटिन्यू, उसके लिए पेपर मॉडरेट था, मतलब टफ नहीं था। अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छा पेपर था, ऑनलाइन पे है, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है। जैसे पैराग्राफ जैसे करने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं, पैराग्राफ पहली बार था तो पैराग्राफ सब ईजी आए थे, मतलब नॉर्मल, पहली बार ऑनलाइन कराया तो इस वजह से पेपर नॉर्मल था। आपकी इंग्लिश थी या संस्कृत? इंग्लिश। इंग्लिश में मतलब कुछ भी क्वेश्चन कैसे, मतलब इंग्लिश में सिनोनिम सेंटोनिम्स आए थे, कोऑर्डिनेट का आया था, द का यूज आया था, एन का यूज ज्यादा आया था। और पैसेज इंग्लिश का कुछ कैसा आया था? पैसेज का पैराग्राफ जंपलिंग आई थी और एबीसीडी आई थी। तब था कि मतलब स्टोरी बेस्ड था? नहीं, स्टोरी बेस्ड था, नॉर्मल था भैया। अगर नॉर्मल प्रिपरेशन की, बस ऑनलाइन वाला था, बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे। ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन पहली बार था ना, जिसकी प्रैक्टिस ऑनलाइन एसटी की उसके लिए बढ़िया है, मतलब टेक्स्ट बुक से पूरा आ रहा था आपका? पूरा आ रहा है, टेक्स्ट बुक बेस्ट है मतलब। और एनवायरनमेंट में क्या क्या आया था? कुछ क्वेश्चन याद है? ईवीएस में कुछ भी याद है? ईवीएस में ये आया था कि कौन सी गैस पाई जाती है ज्यादा, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, मतलब एनवायरनमेंट में कौन सी गैस? बता रहे कि भारत के राज्य से रिलेटेड कुछ आ रहा है, मतलब कौन निकटवर्ती राज्य कौन से हैं आप गुजरात के जैसे? भैया हमारा तो ये दार्जिलिंग झील का पूछा गया था, अब सबका अलग अलग, दार्जिलिंग झील का पूछा था। कहाँ? नहीं, हमारे में नहीं है अभी, रामसेट साइड भी नहीं आया। मैथ में कुछ भी क्वेश्चन याद है? मैथ का सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है और एसआई के क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल, दो साल का एसआई कितना होगा, एक साल का इतना होगा, और उसका आ रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और एक ट्रेन का क्वेश्चन नेसेसरी आ रहा है। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे अभी, कुछ भी याद है? हाँ, 7 क्वेश्चन तक हैं मैथ में। हाँ भैया, हमने तो 110 कन्फर्म है उसके आगे। हाँ मतलब करने थे, कर दिए सब, लेकिन इजी टू मॉडरेट होगा पेपर। हाँ, इजी टू मॉडरेट है, मैथ अच्छी आई, इजी आई है, कैलकुलेशन था लेकिन इजी है। थैंक यू। मैथ ना कठिन थी ना सरल, मतलब मॉडरेट पेपर था हमारा। और जैसे ईवीएस में कुछ क्वेश्चन याद है आपको? ईवीएस वो तो हमने ऐसे ही कर दिया। ईवीएस या हिंदी में कुछ भी याद हो, एक दो क्वेश्चन हिंदी में, मतलब ग्रामर व्याकरण ज्यादा आ रहा है कि मतलब ऐसे कुछ आ रहा है? वो साइकोलॉजी टाइप, अलंकार वगैरह कुछ आ रहे हैं, अलंकार या रस आए उसमें? अच्छा, वैसे पैराग्राफ आ रहा है हमारा, पैराग्राफ दो आएंगे। हाँ, दो आए। और पैडागॉजी मतलब कुछ भी आई ज़्यादा? पैडागॉजी हाँ आई, ठीक थी। आयत में कुछ भी, सॉरी उसमें मैथ आयत में कुछ भी क्वेश्चन याद है आप? नहीं, एबीएस के क्वेश्चन है। हाँ बता दीजिए। वो आई थिंक जैसे मनुष्य के जैसे, आदमी के जैसे, यानी किसकी आँखें होती हैं, कौन से पक्षी की? उल्लू की। और वैसे मतलब विटामिन से बता रहे, कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे में? नहीं आया था विटामिन सी का, आया था एनसीएफ वगैरह से कुछ आया था? हाँ, एनसीएफ से आया था, काफी क्वेश्चन आए थे एनसीएफ से, और सतत मूल्यांकन से भी आए थे।
वैसे मतलब मैं तो इसका कुछ भी क्वेश्चन एक दो याद हूँ आप बता दें, आए परिमाप या छेद पल तो कुछ भी आया था क्वेश्चन? आया था, एक आया था, आयत वाला आयत के तीन चार क्वेश्चन आए थे ना आयत के। वैसे लगभग कितना क्वेश्चन? ऐसे तो नहीं बता सकते लेकिन फिर भी 100 के ऊपर निकल जाएगा, निकल जाएगा। वैसे आपको जीएसटी वगैरह दे दी थी ऑनलाइन? नहीं नहीं कुछ भी, केवल प्रैक्टिस सेट लगा दी थी। वैसे प्रीवियस ईयर के जैसा आ रहा होगा पेपर हमारा? हाँ हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये क्वेश्चन पेपर मिक्स था सारा, पैडागॉजी हाँ पैडागॉजी ज्यादा पूछ रहे हैं उसके क्वेश्चन। नहीं अब मिक्स कर दिया था, अब मतलब इस टाइम का भी पूछ लेते, पहले का भी पूछ, मिक्स हो गया सब। अधिगम ज्यादा आया, हाँ ईवीएस के भी क्वेश्चन अच्छा आया था पेपर, ठीक था। मैथ पोर्शन ठीक था बट संस्कृत पोर्शन बहुत ज्यादा टफ था। संस्कृत आ रही थी, थोड़ी टफ आ रही, हाँ संस्कृत टफ थी। वैसे पेपर ठीक था हमारा है, वैसे ठीक था, नॉर्मल था। क्वेश्चन कुछ भी याद हो आपको एक दो, मतलब हिंदी या मैथ कुछ भी, हिंदी के या संस्कृत कुछ भी याद हो? घाना नेशनल पार्क ईवीएस में, नेशनल पार्क आया था, घाना नेशनल पार्क था। भाषाएं वगैरह आई थी? भाषाएं अब इतना याद नहीं रहता, पेपर तुरंत किया फिर भूल जाते हैं, इतना मेमोरी तेज़ नहीं होती है, सॉरी मुझे याद नहीं है। थैंक यू थैंक यू।